अगर तुम फर्स्ट क्लास खेलते हो तो तुम इंडिया खेलते रहोगे। नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास बल्लेबाजी नहीं, फर्स्ट क्लास में जाकर खेलोगे तो इंडिया खेलते रहोगे। हाँ भैया, फर्स्ट क्लास का कांड जो है वो 2023 वर्ल्ड कप के बाद भी हुआ था, जब कहा गया था कि जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वो थैंक यू हो जाएगा। श्रेयस अय्यर ने सिर्फ एक मैच नहीं खेला था और उसका नतीजा ये हुआ था कि अय्यर साहब को हटा दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। कहा जा रहा है अय्यर साहब की वापसी हो जाएगी इस बार, लेकिन ईशान किशन और कई खिलाड़ी तब से ही बाहर बैठे। अब कहानी ये शुरू हुई है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने साफ साफ कर दिया है कि टीम इंडिया के जो चमकते सितारे हैं वो भी जाकर डोमेस्टिक खेलेंगे जब भी नेशनल ड्यूटी से नहीं हुए। एक्सेप्शन जो है वो खाली 3 खिलाड़ियों के लिए है, जिसमें एक नाम है रोहित शर्मा का जो 37 साल के हैं, दूसरा नाम है विराट कोहली का, तीसरा नाम है जसप्रीत बुमराह का। बीसीसीआई ने कहा है कि इसके अलावा जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको जाकर फर्स्ट क्लास में पसीना बहाना होगा, दुलीप ट्रॉफी खेलना होगा, और अगर वो नहीं खेलते हैं तब फिर अच्छा नहीं होगा। वो कहते हैं कि दिस टाइम देर इज नो जोनल सिलेक्शन कमिटी फॉर द दिलीप ट्रॉफी, ओनली द नेशनल सिलेक्शन कमिटी विल पिक अप दिलीप टीम्स, और जितने भी टीम कंटेंडर हैं वो सब पिक किए जाएंगे, रोहित विराट बुमराह को छोड़कर। इन तीनों की मर्जी होगी कि ये तीनों जाकर खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और आपको जितने भी और खिलाड़ी नजर आते थे जो बचते थे फर्स्ट क्लास खेलने से, वो सारे खिलाड़ी आपको यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। जो नहीं आएंगे उन पर निगाहें होंगी। अब ये खबर अपने आप में इसलिए बड़ी हो जाती है कि पिछली बार इसी खबर को लेकर बहुत कांड हो गया था। ईशान किशन श्रेयस अय्यर वाला जो पूरा कांड था वो यहीं से शुरू हुआ था। ईशान किशन घर चले गए थे, वापस लौटे, आईपीएल खेल लिए, श्रेयस अय्यर ने कहा कि वो इंजर्ड है। हालांकि बाद में अय्यर ने अपने आप को फिक्स करने की कोशिश की, सारी चीजें की, लेकिन तब तक काफी पानी गंगा में बह गया था और काफी इश्यूज हो गए थे। लेकिन अब जब मामला श्रीलंका सीरीज से होकर दिलीप ट्रॉफी की तरफ जा रहा है, तब जयशाह का ये स्टेटमेंट कि दिलीप ट्रॉफी में सभी सितारों को पार्टिसिपेट करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। टीम इंडिया में अभी कुछ भी पक्का नहीं है सिवाय वनडे और टेस्ट में रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अलावा, भाई कुछ भी पक्का नहीं है। T20 में कौन खेलेगा पता नहीं, T20 में कैप्टन कौन होगा पता नहीं, वनडे में वाइस कैप्टन कौन होगा पता नहीं। तो सारे पता नहीं के जवाब के बीच में अगर जयशाह का ये स्टेटमेंट आया कि बाकी लोग को जाकर खेलना होगा, तो फिर ये स्टेटमेंट काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। हालांकि हार्दिक पांड्या ने अभी T20 सीरीज़ के बाद वनडे सीरीज़ को लेकर कहा है कि वो चाहते हैं कि उन्हें ब्रेक दिया जाए, 3 मैचों की ODI सीरीज़ जो है उसमें पर्सनल रीजन से वो चाहते हैं छुट्टी ले ली जाए, लेकिन वो फिट है, अवेलेबल है T20 सीरीज़ को लेकर, वो चाहते हैं लीड करना। अब इसमें हालांकि हार्दिक का अपना स्वार्थ है कि वो चाहते हैं कि तीनों जो मैच है छोड़ रहे हैं वनडे, उसके अलावा जो T20 है उसमें वो लीड कर ले। 27 जुलाई से शुरू होगा टूर्नामेंट और चलेगा उसके बाद, तो वो लीड कर जाते हैं। हालांकि उनके कंटेंडर सूर्यकुमार यादव का भी नाम चल रहा है, खबर आ रही है कि हार्दिक भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, उनको ही T20 में कप्तानी जो है वो दी जाए। सूर्या ने फोटो तो डाल दी है भगवान को थैंक यू करते हुए, वो भी एक कहानी है। बट ओवरऑल जयशाह का ये स्टेटमेंट काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी क्लियर है और अच्छा भी है। सारे सितारे जमीन पर उतरेंगे, फर्स्ट क्लास खेलेंगे, वहां पर अपना पसीना बहाएंगे और फिर वहां से लौटकर नेशनल टीम में वापसी कर लेंगे। विराट, रोहित, उम्र के तकाजे के हिसाब से शायद ब्रेक दिया गया होगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से ब्रेक दिया गया होगा। बुमराह को चॉइस इसलिए क्योंकि बुमराह वो खिलाड़ी हैं जिनको आप फिट रखना, तो उन्हें कहा गया है शायद आज की सारे बायलेटरल भी नहीं खिलाए जाएंगे, तो वो एक एक्सेप्शन समझ में आता है और वो बनता भी है क्योंकि वो बहुत ही प्रेशियस हैं। बुमराह आपके सबसे बड़े मैच विनर हैं, तो उनको तो आप उनकी मर्जी पे छोड़ दो, इज अ ट्रू जेंटलमैन। बट ओवरऑल 27 जुलाई से पहले हमारी T20 सीरीज शुरू है, 27, 28 और 30 तारीख को 3 T20 मैच श्रीलंका से। इसके बाद ODI शेड्यूल शुरू हो रहा है 2 अगस्त, 4 अगस्त, 7 अगस्त, और इसी बीच में ये खबर आना, हमें लगा हम आपसे पूछें कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो बहाना मारते हैं, क्योंकि कई खिलाड़ियों पर आरोप लगता था कि वो चोटिल हो जाते हैं और बाद में फिट हो जाते हैं जब कोई पैसे वाला टूर्नामेंट आता है। इस बार आपको लगता है कोई बच पाएगा?